तो यार आज मैं आप लोगों को तीन डिफरेंट टाइप के बहुत ही कमाल के फन बना के दिखाने वाला so, तो हूँ जिसका साइज है सेंटीमीटर तो अभी देखो पर इसके लंबाई में मैंने दो सेंटीमीटर पर मार्किंग लगाया उसके बाद मैंने इस कोने से कुछ इस तरह से इसको मिला दिया इस वाले पार्ट को कट करके हटा देंगे तो यार देख सकते हो मैंने इसको कट करके हटा दिया अभी देखो हम लोग कुछ इस तरह से इस पोजिशन में इसको रखेंगे एंड आप लोग देखो मैं जैसे जैसे आप लोग को फोल्ड करके दिखा रहा हूँ जस्ट आप लोग को भी सेम टू सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेना है ठीक है यार आज मैं आप लोग जितने भी के दिखाने बनाएंगे वो सच में नेक्स्ट लेवल के ठीक है आप लोग जस्ट वीडियो का एंड तक देखना यार आज मैंने आप लोगों को तीन आइडियाज बनाए हैं इसके लिए आप लोग पांच लाइक कम्प्लीट कर देना ठीक है तो यार देखो मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया अभी देखो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से इसको खोलना एंड इसको खोलने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग को छोटे छोटे ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे ठीक है इनका जो टोटल नंबर है वो टेन होना चाहिए ठीक है तो देखो इसके अंदर टोटल टेन ट्राइंगल्स है ठीक है अभी देखो इसके इस एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस तरह से कट करके हटा देंगे हॉलाइट देख सकते मैंने कुछ इस तरह से कट करके हटा दिया अभी इसके अंदर

से ट्राइंगल शेप कहीं इसी साइज के कुछ इस तरह से कलर पेपर को चिपका देना है ठीक है तो देखो इस साइड वाले हिस्से में मैंने येलो कलर को किया है, उसके बाद देखो इसको कुछ इस करेंगे उसके बाद इस वाले साइड कलर, कलर कर दूंगा तो तो इनफोनाइट मूविंग टॉय बन के रेडी हो चुका है इसको आप लोग एंटी स्ट्रेस टॉय भी बोल सकते हो अभी ये और भी बहुत ही तेजी के साथ मूव करेगा बट मुझे इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसको प्रैक्टिस करते करते काफी तेजी के साथ मूव होगा ठीक है सच में बहुत ही कमाल का होने

कुछ इस तरह से पर चिपका देंगे यार अभी आप लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बनने वाला है ठीक है तो देखो अभी मैंने पर एक और खाली पेन का बॉडी ले लिया इसके एक छोटा सा पीस हम लोग कट करके एंड कुछ इस तरह से इसके बीच वाले हिस्से में पर चिपका देंगे इससे बड़े एक और पीस के इसके ऊपर चिपका देंगे और इन सभी को चिपकाने के लिए मैंने फेवी का यूज किया ठीक है अभी देखो यहाँ पर मैंने एक पतले से स्टिक को ले लिया इसके पीछे वाले साइड में मैं एक रबर बैंड को धागे की मदद से बांध दूंगा इस रबर बैंड को बांधने के बाद इसको कुछ इतने दूर से कट करके छोटा कर लेंगे उसके बाद अपने पेन के अंदर डालेंगे इस वाले पार्ट में इसको भी हम लोग धागे की मदद से बांध देंगे और राइट देख सकते हो मैंने बांध दिया एंड ये हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल सा सिंपल सा पेन कर बनकर रेडी है सो so, इसको चलाने के लिए बहुत ही पतले पतले पेपर बुलेट्स का यूज करेंगे इसके अंदर इसको डालेंगे एंड खींचते हुए छोड़ेंगे ये तो ये लिटरली काफी तेजी के साथ चलने तो यार देखो इसको चलाने में काफी मजा आता है और इसका जो डिजाइन है वो मुझे सच में बहुत ही पसंद आया तो चलो अब हम लोग अपने लास्ट आइडिया को देखते हैं तो देखो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक कार्डबोर्ड को ले लिया एंड इसके ऊपर मैं चार सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल का ड्रॉ करूंगा उसके बाद मैं इसको कट कर लूंगा उसके बाद मैं इसी के ऊपर ग्लू लेके व्हाइट कलर के पेपर को कुछ इस तरह से इसके इसको चिपका दूंगा इसके बॉर्डर को मैंने थोड़ा सा मोटा किया है ब्लैक मार्कर से ठीक है और इसके पीछे वाले हिस्से में सिर्फ नॉर्मल पेपर को चिपका देंगे ठीक है उसके बाद सिर्फ इसके आगे वाले हिस्से में मैं एक डिजाइन के हुए पेपर को कुछ इस तरह से चिपका दूंगा इसको मैंने खुद ही से बनाया है ठीक है अभी इसके मिडिल में एक छोटा सा होल बनाएंगे उसके बाद एक पेन के रिफिल को कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे इसको डालने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखेगा अब मैंने यहाँ पर एक छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े को ले लिया इसके बीच में एक छोटे से स्टिक को फंसा देंगे इसके अंदर डाल के दूसरे साइड से भी एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को लगा देंगे ऑलराइट दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग एक बहुत ही शानदार सा सर्कल स्पिनर बन के रेडी हो चुका है और आप लोग बिलीव नहीं करोगे ये सर्कल होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरह से घूमता है और बहुत देर तक घूमता है और इसके बीच वाला जो हिस्सा है वो कलरिंग की वजह से और भी शानदार लग रहा है देखने में बिल्कुल रेनबो टाइप का और हाँ मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट पांच लाइक कंप्लीट कर देना ठीक है अगर आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय